न्यूज वन इंडिया पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश में मोदी जी की लहर है, देश में मोदी जी ने 400 पार का जो नारा दिया है वो संकल्प बन गया है और ये पूरा भी होगा। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के तहत काम करती है, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, इनको जनता नकार चुकी है। वही नामी बिल्डर बाबा साहनी के आत्महत्या पर उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। सर, 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, सर इस बार बीजेपी के किस तरीके से लहर देश भर में देख रहे हैं आप? देखिए, 5 चरणों में पूरे देश के अंदर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश के लोग आगे आए हैं और बचे हुए 2 चरणों में भी उसी गति से आगे बढ़ेगा और जो 400 पार का संकल्प है वो पूरा होगा, क्योंकि हर वर्ग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना सहयोग कर रहा है, अपना आशीर्वाद दे रहा है। 10 सालों में देश ने देखा है कि मोदी जी ने पूरे देशवासियों को अपना परिवार मानकर हर पल और हर क्षण केवल और केवल देशवासियों को समर्पित किया है। एक दिन भी वो रुके नहीं हैं, कहीं उन्होंने विश्राम नहीं लिया है। देश का मान सम्मान और स्वाभिमान उन्होंने बढ़ाया है और गरीब कल्याण से लेकर देश के अंदर ऐतिहासिक जो निर्णय लिए गए हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व है। हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ है, हर वर्ग के उत्थान की योजनाएं बनी हैं और बिना किसी भेदभाव के काम हुआ है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और मैं देश में अनेक स्थानों पर गया, मैंने देखा है कि मोदी जी के प्रति लोगों के मन में अपार प्रेम है, इसलिए लोग आगे आकर अपना समर्थन कर रहे हैं। सर, आप देश भर में चुनाव प्रचार के लिए गए, खासतौर पर दिल्ली की अगर हम बात करें तो आप पर बुलडोजर से फूल की वर्षा भी हुई और लाखों की संख्या में भीड़ जुटी थी। आपको लगता है कि दिल्ली की जो सभी सीटें हैं वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है? दिल्ली की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना इतिहास दोहराएगी और बड़ा अंतर होगा, ऐतिहासिक विजय होगी। सर, प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा दिया है एनडीए के साथ, लेकिन विपक्ष जो है, खासतौर पर अखिलेश यादव की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, वो कह रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार बनने ही नहीं जा रही है। दोनों विदेशों में पढ़ के आए हैं, राहुल बाबा और अखिलेश बाबा, और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर हम एक तरफा जीतने वाले हैं, जहां दोनों मिलकर जोड़ी बनाकर लड़ रहे थे। वहां जो अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट होती थी, वो परंपरागत सीट पर कांग्रेस पार्टी के युवराज लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, तो उनके दावे खोखले हैं। उनके दावों की हकीकत ये अमेठी बताता है कि जहां से वो पर्चा दाखिल नहीं कर पाए, चुनाव में खड़े नहीं हो पाए, इसका सीधा सीधा प्रमाण है कि उन्होंने अपनी हार मान ली है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, उत्तराखंड से एक बिल्डर ने आत्महत्या की, उन्होंने इससे पहले प्रधानमंत्री को और आपको एक पत्र लिखा है जैसी खबरें आ रही है, क्या आप आश्वस्त करेंगे कि इसमें उच्च स्तरीय जांच होगी और न्याय मिलेगा? बिल्कुल, कानून अपना काम करेगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विनीत के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।